गाइस ये वाला रोड चेक करो यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रेलवे का ट्रैक नहीं होता है लाइन से बिछा हुआ, ये वैसा बिछा के रखा है, उस पर हम बाइकर्स चल रहे हैं। बट गाइस ये जो डायवर्जन चल रहा है ना यार, यहाँ पे ना यार थोड़ा बहुत टायर स्केट खाने का भी डर रहता है। देखो कितने लोग के, देखो ब्रेक के यहाँ पे निशान भी है, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर भी है जो कि भाई ड्यूअल सिलेंडर जैसा डबल स्पीड ब्रेकर है। गाइस यहाँ का व्यू चेक करो यार। Hey, y'all, come look at this. Hallelujah. इसकी माँ का दिल। क्या बात कर रहे हो आप? तो फाइनली एक छोटा सा ब्रेक लिए है। मोरिया सजना जी, मैं छड़ के नहीं जाना कभी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कभी। सो यहाँ पे ऑल टीम इज हियर, प्रतीक भाई है एंड अपने एक और रॉयल एनफील्ड है एंड अपने सागर भाई यहाँ पर है एंड अपनी भाई यहाँ पर है। चलो जी, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ओ भाई फोटो निकाल रहे, नहीं इधर वीडियो चालू है। चार दिन का लेना मोरिया। सो गाइस फाइनली अपन निकल चुके हैं अपने टीम के साथ में एंड भाई जो मतलब जो वेव आ रहे हैं ना यार, मतलब नेक्स्ट लेवल का आ रहा है, बिकॉज भाई अपने पूरे के पूरे टीम भाई साथ में है एंड कुछ लोग हैं जो हमें आगे से ज्वाइन करने वाले हैं। ओ भाई तो गाइस देख सकते हो अपनी टीम यहाँ पर है एंड ये जो आगे के चल रहे ये भी अपनी टीम है एंड जो पीछे आ रही है वो भी अपनी टीम है। वाव, ओहो ये सागर भाई की बाइक देखो भाई क्या रिप करके गया आगे। तो यहाँ पे अपनी टीम भाई पूरी की पूरी कार पे बैग वगैरह रख रहा है आराम से, जो कि भाई मैंने मेरा बैग भी रख दिया, बहुत ही बेटर हो गया यार कार आके अपनी। नेक्स्ट टाइम तो भाई फरारी लेके आएंगे। सो गाइस अभी यहाँ पर आ चुके हैं एरोली टोल नाका के यहाँ पर, तो यहाँ से अपना एरोली का ब्रिज स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस आपको दिख रहा होगा कि नहीं आई डोंट नो भाई, लेकिन यहाँ पर एरोली ब्रिज के ऊपर देखो लाइट ही नहीं है। वाओ, मतलब ब्रिज के ऊपर भी लाइट नहीं है। सो गाइस फाइनली अपन अभी नवी मुंबई में है एंड भाई मतलब सीन ये होकर रखा है कि अभी तो रात है, मतलब सुबह हो गई एक्चुअली, 6 बज के चले गए बट स्टिल अभी तक अंधेरा है एंड जब तक अभी हम लोग राइड कर रहे हैं हम लोग को मिनिमम यहाँ से 5 घंटा तो लगेगा ही, तो भी अभी हम लोग चल रहे हैं अपने लेन पकड़ के एंड अभी चलते देखते कहाँ पे ब्रेक लेंगे अभी। एंड गाइस अगर आप यहाँ से यू टर्न मार के जाओगे राइट साइड में से तो आपको मुंबई का रास्ता पड़ जाएगा, बट अपने को तो मुंबई जाने का नहीं है, अपन वाइजर भाई बंद कर रहे थे फिलहाल के लिए। भाई साहब क्या नेक्स्ट लेवल का व्यू दिख रहा है यार, अभी हम पहाड़ों के बीच में से रास्ता बना के जा रहे हैं। वाह वाह, एंड अपने सामने चल रही है मे बी SD वाली बाइक है एंड अपने टीम तो पूरी आगे के चल रही है, एक एक इंस्ट्रक्शन भाई हम लोग ध्यान से फॉलो कर रहे हैं राइड पे, मैं तो अभी एक एक राइडर को फॉलो कर रहे हैं। एंड गाइस ये लेफ्ट साइड में देखो मतलब पूरा का पूरा नीरा का दुकान है भाई, अभी बंद है एक्चुअली, 9 बजे के बाद समथिंग चालू होता ही है। बट भाई लास्ट टाइम देखो जब आपने मेरा वो वाला ब्लॉग देखा होगा जहाँ पे भाई मैं नीरा ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया था, बट भाई मेरे को नीरा मिला नहीं था एंड स्टिल अभी तक अपने गाड़ी का भाई मीटर जो है वो अभी तक बना नहीं है, इसके लिए आपको स्पीड जो है ये 0 दिख रही रहेगी। वाह यार, मतलब वेदर चेक करो यार, मतलब क्या नेक्स्ट लेवल का होकर रखा है। बस गाइस बारिश ना हो बिकॉज जो वेदर में है बारिश होने के चांसेस है, ऐसा कल बोल रहे थे, बस यार बारिश ना हो। सो गाइस जो सामने का दिख रहा है राइट साइड में वो है भाई एक्सप्रेस हाईवे जहाँ पे 2-व्हीलर्स को अलाउ नहीं है, तो अपन तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे एंड मैं भी भाई थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर से लेना चाहूँगा यार एंड भाई अपनी टीम यहाँ पर भी है पूरी की पूरी। वाह हो चालू है अभी, ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मैं ये बस की आवाज आ रही है क्या, मैं बोला कौन से भाई सुपर बाइक्स की आवाज आ रही है।
सो गाइस फाइनली वी आर लीविंग फ्रॉम हियर एंड अभी भाई पूरी की पूरी टीम निकल चुकी है भाई। एंड जो सामने मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेस हाईवे है जो कि यहाँ पर टू व्हीलर थ्री व्हीलर ऑटो वगैरह बाइक वगैरह अलो नहीं है, वहाँ पे अगर जाओगे तो बहुत तगड़ा वाला फाइन भी पड़ जाएगा आपको। एंड अभी फाइनली अपन निकल चुके हैं भाई अपने डेस्टिनेशन के लिए। एंड ये एक्चुअली इस सीरीज का ये पार्ट वन होगा, तो भाई लेट्स सी देखते हैं भाई कितने पार्ट में इसको मैं डिवाइड करने वाला हूँ बिकॉज ऑफ बहुत लॉन्ग राइड होने वाली है ये। बट स्टिल आप लोग एंजॉय करो ये राइड को। एंड मैं इसीलिए राइड पे निकला हूँ बिकॉज ऑफ अपने को अच्छा सा सीरीज मिल जाएगा अपने ऑडियंस को अपने फैमिली को। एंड यहाँ से अपन राइट टर्न लेंगे आगे सर्कल से घूम के, जो कि आप लोगों को पता है कि लोनावला एक विराई मंदिर जाने का रास्ता ये। और यहाँ पे देखो यहाँ पे हाय बंदे बंदे एंड यहाँ पे टीम अपनी यहाँ पर देख सकते भाई नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस है। एंड गाइस चेक करो यार, मतलब मॉर्निंग होने को ही है, होने को क्या हो गए, बट ये जो फील है ना भाई ये आपको राइड पे आने के बाद ही समझेगा कि जब आप रात के टाइम पे थोड़ा सा आप राइड करना चालू करते हो एंड आपके राइड करते करते ही सुबह हो जाती है ना यार, तो ये जो नज़ारा है ना धीरे धीरे ब्राइटनेस होते रहता है अपने वर्ल्ड का यार, नेक्स्ट चीज़ है भाई, ये सब नेक्स्ट लेवल चीज़ है भाई। एंड इसमें फील भी अलग है। तो भाई मैं तो आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी भाई अगर राइड पर जाना चाहते हो तो भाई जाओ, सोच के मतलब नहीं है। जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आप लोग के है वो तो हर एक के लाइफ में है, बट स्टिल आप लोग जाओ एंड राइड को एंजॉय करो। एंड राइड मतलब ये नहीं गाइस कि आप कट वगैरह मार के जाओ, ज़्यादा गाड़ी ओवर स्पीड कर दो, नहीं, ऑल इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, स्पीड लिमिट रखो जो जो स्पीड लिमिट है एंड राइड के मजे लो यार। मतलब ओवर स्पीड में जाके भी आप क्या कर लोगे, जो नज़ारे हैं ना यार ये देख देख के आराम से फील लेते हुए आप चलो अपने अपने रास्ते पे। वो बोलते हैं ना मंजिल इतनी खूबसूरत नहीं होती है जितना सफर खूबसूरत होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। गाइस बहुत से लोग बोलते हैं भाई अपने पास में बाइक वगैरह नहीं है, ये वो। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये मेरे बड़े भाई की बाइक है आरन भाई। यार राइड पे जाने के लिए ना मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अच्छी सी बड़ी सी बाइक चाहिए, अच्छी सीसी वाली बाइक चाहिए, नहीं ऐसे कुछ नहीं है। जाने में तो पब्लिक एक्टिवा लेके मुंबई से लद्दाख पहुंच जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक बार सिर्फ राइड पे निकलो, हाँ ये है कि आप कोई भी बाइक हो या स्कूटर लेके जा रहे हो उसका मेंटेनेंस वगैरह बराबर करके जाओ एंड पूरा का पूरा जो भी आपका किट वगैरह है वो सब साथ में लेके जाओ, भले वो हेल्थ किट रहे या तो फिर आपकी गाड़ी के टूल्स बॉक्स वगैरह रहे वो आप कैरी करो। एंड भाई अपने साथ में तो पूरी टीम है तो कुछ इतना इश्यू अपने को है ही नहीं। ओ भाई वाह, क्या नेक्स्ट लेवल का व्यू है यार, चेक दिस। ओहो वाह, मतलब क्या ही नेक्स्ट लेवल का सीन दिख रहा है यार मेरे को ये, वाह मजा आ गया। एंड यहाँ से भाई हल्का सा डाइवर्जन है तो अपने को स्लो होकर जाना पड़ेगा। ओके ओ भाई मजा आ गया। राइट साइड में इतना बड़ा क्या काम चल रहा है, मे बी ये कुछ तो बन रहा है, नो आइडिया। किसी को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो मुझे। एंड यहाँ का जो ये ब्रिज है यहाँ से अभी अपन अगर लेफ्ट जाएंगे तो आपको पुणे मिल जाएगा, तो अपन भी लेफ्ट ही जाएंगे बिकॉज ऑफ यही रास्ता जाता है पुणे गोवा कर्नाटका साइड, तो चलते भाई। वाह यार सामने सूर्य भगवान देखो यार कितने मस्त दिख रहे, वाह। एंड गाइस नासिक पुणे गोवा जाने के लिए जो हाईवे है क्या है, मस्त बना है यार। एंड यहाँ पे लाइट वगैरह भी है क्योंकि भाई जो रात को ट्रैवल करते रह गए उनको भी मस्त हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी अपन भाई अपने रूट पे प्रॉपर जा रहे हैं। एंड यहाँ से गोवा कितना किलोमीटर है, 553 किलोमीटर किलोमीटर ओके। एंड यहाँ से अपना बैंगलोर है 950 किलोमीटर ओके। अपने को यहाँ पर लेफ्ट लेके जाना है। जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना रेलवे ट्रैक है,
एंड यहाँ पर आगे 3 किलोमीटर की दूरी पे पनवेल स्टेशन है। एंड गाइस लेफ्ट साइड में कुछ तो जियो का कुछ तो गया, अब क्या था जियो का मुझे भी नहीं पता, बट कुछ तो था। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ये स्पीड ब्रेकर भाई कौन से रहते भाई, कंटिन्यू से 10-15 स्पीड ब्रेकर बिछा देंगे लाइन में। मतलब वो जो क्रिमिनल नहीं जाते, बाइकर्स वगैरह हो या कार वगैरह हो, जो क्रिमिनल भागते रहते तो रास्ते में खेले वाला रोड वहाँ बिछा देते हैं लोग, ट्रैप बिछा देते वो, सेम यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बिछा देते भाई ऐसा। एंड यार मतलब ये साइड में भी कितने मस्त बड़े बड़े टावर देखो ना यार बन रहे, वाओ। ओ भाई देखो मैं ये स्पीड ब्रेकर की बात कर रहा, अभी सीन देखा ये वाला, ये जो सीन वाओ मजा आ गया, वाओ क्या मस्त बना कर रखा है यार भाई। हाँ जो लेफ्ट साइड में रास्ता जा रहा है ना वो है नासिक साइड जाने का, अपने यहाँ से यू टर्न लेके अभी इस रूट से होते हुए जाएंगे सीधा कर्नाटका वाले रोड पे, एंड भाई एकदम स्ट्रेट जाओगे तो मुंबई आ जाएगा, बट यहाँ से अपन अभी लेफ्ट लेंगे तो अपने को गोवा और कर्नाटका का जो रास्ता है हाईवे है वो मिल जाएगा। तो कुछ ही दूरी पे जाके अपनी टीम अभी नाश्ता करने वाली है गाइस, मतलब क्या ही मजा आ रहा है राइड पे। सबसे पहले शुक्रिया भाई मेरे बड़े भाई को जिन्होंने मुझे बाइक दिया है कि राइड पे लेके जाने के लिए, वो अगर बाइक नहीं देते तो फिर भाई क्या ही मैं राइड पे आ सकता था यार। तो सबसे पहले थैंक यू अपने सूरज भाई को, राधे भाई को, एंड अपने राधे भाई का इंस्टाग्राम आईडी ये रहा, इनको भी जाके फॉलो करो। एंड भाई क्या ही व्यू है यार यहाँ का। एंड गाइस ये वाला रोड चेक करो यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रेलवे का ट्रैक नहीं होता है लाइन से बिछा हुआ, ये वैसा बिछा के रखा है, उस पर हम बाइकर्स चल रहे हैं, बट इसमें ना मुझे हैंडल एकदम प्रॉपर मतलब ना एकदम बीच में प्रेशर दे के रखना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी गाड़ी लेफ्ट राइट भाई डांस हो रही है। एंड मेक श्योर आप यहाँ पर एकदम सेफली चलाओ, बिकॉज ऑफ यू जो कट वगैरह बीच में इतना मार के रखा है तो भाई एक्सीडेंट होने के भी चांसेस यहाँ पे हो जाते हैं, या तो आपका फॉल भी हो सकता है, तो मेक श्योर आप गाड़ी एकदम ऐसे रोड पे ध्यान से चलाओ। एंड चेक दिस गाइस, ओ भाई साहब नेक्स्ट लेवल यार, ऐसा लग रहा है नहीं है कि हम लोग करेक्ट उस पहाड़ में जाने वाले हैं रोड पे से, वाओ। एंड ये पूरी की पूरी अपनी टीम के बाइकर्स हैं, एंड HP का पेट्रोल पंप भी भाई अवेलेबल आप लोग को यहाँ पे, मतलब मैं देख रहा हूँ यार मतलब आपको यहाँ पर CNG गैस वगैरह एंड HP के पेट्रोल पंप वगैरह भी है तो आपको तकलीफ तो नहीं होगी। सो गाइस भाई अभी अपन तो भाई जंगल में है, एंड जंगल से होते हुए जा रहे हैं, वाओ। एंड गाइस ये जो डाइवर्जन चल रहा है ना यार, यहाँ पे ना यार थोड़ा बहुत टायर स्केट खाने का भी डर रहता है, देखो कितने लोग के देखो ब्रेक के यहाँ पे निशान भी है, जो कि बाइकर्स के भी है एंड जो बड़े बड़े ट्रक्स है उनके भी है, तो इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग एकदम आराम से भाई, देखो बंदर लोग भाई अभी वो जस्ट सामने बाइक चल रही थी भाई उसके बीच में आ गया यार भाई, यार एकदम डेंजर सीन है। एंड भाई रास्ता मतलब एकदम अलग ही लेवल है, यहाँ पर कुछ एग्जिट वगैरह भी नहीं है, इमरजेंसी एग्जिट वगैरह, ये एक्चुअली एकदम जंगलों के बीच में से जा रहा है रास्ता। भाई अभी मंकीज बहुत है तो मेक श्योर कि आप ये जो रूट पे आओगे ना यहाँ पे गाड़ी जल्दी रुकाओ मत, अगर आप किसी लेडीज के साथ में भी आ रहे हो ना तो ये सब जगह पे गाड़ी जल्दी रुकाओ मत, कार में भी आ रहे हो ना यार तो भी आप मत रुकाओ भाई, ये देखो 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 भाई भाई नेक्स्ट लेवल चीज है भाई ये सब, तो मतलब वो कुछ तो उठाने के लिए मंकी आया बीच में, बट अगर अपना ध्यान नहीं रहा तो फिर भाई बाई चांस इंसिडेंट वगैरह भी हो सकता है। अपनी टीम तो मैं आगे चले गई यार, बिकॉज ऑफ मैं भी थोड़ा स्लो स्लो चल रहा था इसीलिए। वाह व्यू चेक करो भाई, ओ भाई साहब, एंड सामने पर धुआं धुआं क्यों होके रखा है भाई, बाप रे भाई ये पूरा फॉग है। हाँ भाई ये देखो भाई नेक्स्ट लेवल चीज है भाई यहाँ पर, तो अभी हम लोग भाई गोवा वाले रूट पे ही है, एंड स्टिल भाई अभी देखते हैं भाई कहाँ पे ब्रेक लेना है अभी आगे जाके टीम को, बिकॉज पूरी टीम देखो भाई पूरी आगे चली गई है, अपन तो है अपने पीछे और भी टीम है अपनी, बट स्टिल उनको भी कवर करने को ट्राई करेंगे अपन। एंड यहाँ पर क्या नेक्स्ट लेवल का भाई फॉग पूरा छा रखा है यार, अरे भाई कोले भाई इतना स्लो भी चल रहे हो, अपने टीम वाले के नहीं
नहीं ओ भाई यहाँ से अपन ना आराम से होके जाएंगे। और वाओ वाओ वेरी ब्यूटीफुल, क्या बात कर रहे हो आप। एंड सामने भाई स्पीड ब्रेकर है तो अपन लेंगे आराम से। एंड गाइस ये चेक करो, मतलब यहाँ पर भी भाई वो सेम रेलवे का ट्रैक बिछा के रखा है। कुछ भी ये क्या खतरनाक टर्न है यार ये वाला। फोर व्हीलर को इतना कुछ बोलते ना प्रॉब्लम नहीं है यार, बट टू व्हीलर को ऐसा है ना उनका टायर यहाँ वहाँ नाच रहा है ना, इसके लिए तकलीफ हो रही है। ये वाला रोड देखो, वाओ वहाँ का व्यू देख लो यार, एक नंबर नेक्स्ट लेवल। गाइस यहाँ का व्यू चेक करो यार, ओ भाई नेक्स्ट लेवल यार, मतलब एक नंबर। एंड सामने देखो पहाड़ भी दिख रहा होगा, पहाड़ के अंदर नहीं घुस रहे अपन आगे से राइट ले रहे। गाइस मैं एक चीज चेक करा था, रुको तुमको। ओके देखो, ओ भाई एक्चुअली कोई मेरे पीछे बैठा नहीं है शूट करने के लिए, तो मैं मेरे गोप्रो से ही यहाँ वहाँ देख के शूट कर रहा हूँ। एंड राइट साइड में देखो, मतलब ये वाला जो पुल है इसके ऊपर लाइट के खंभे ही नहीं है। एंड वो वाले देखो पुल पे लाइट्स के खंभे हैं, बट उन पे देखो लाइट ही नहीं है। ये रोड देख लो, एंड राइट साइड में वो जो सामने पहाड़ दिख रहा होगा ना आप लोगों को, वहाँ पे पूरा का पूरा फॉग है यार। एंड यहाँ पे छोटा सा तालाब भी है, एंड ये कार वाला भी यहीं पे आ रहा है। भाई ये सिंगल लेन हो गया क्या, मतलब ये सिंगल लेन पे आना जाना होगा क्या शायद से। भाई गाइस चेक दिस, वाओ मतलब क्या मस्त दिख रहा है यार सामने को पर्वत के यहाँ पे। एंड ओ भाई क्या ही रोड है यार ये पूरा का पूरा रोड जो है ना यार, ये आगे वाला पूरा का पूरा बोलते ना खराब भी है अच्छा भी है, खराब भी अच्छा भी है। तो आप यहाँ पे भी स्लो ही चलाओ। राइट साइड में देख लो गाइस क्या मस्त व्यू है यार, एंड सामने देख लो क्या खराब रोड है। कंट्रोल भाई मतलब ये हाईवे तो किस लेवल का हाईवे भाई ये। एंड भाई साहब क्या ही रोड है भाई, यहाँ का बहुत ज़्यादा स्लो होकर जाना पड़ रहा है यार हमें इसीलिए। लेट से देखते भाई अभी एक ब्रेक लेना है, वो कहाँ पर लेंगे ब्रेक लेंगे ना भाई, तो मेरा हाथ वाथ थोड़ा दुख रहा है तो मैं ठीक कर लूँ यार। वाह भाई साहब, एंड पता नहीं भाई वाला व्लॉग कितना ही लंबा बन रहा है भाई, मे बी 15-20 मिनट का तो हो ही गया रहेगा, तो उसको भी क्रॉस हो जाएगा मे बी। लेट्स सी चेक करते। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना शर्म, बदल के मेरी तुम जिंदगानी ले लिया इसकी माँ का दिल, चुरा लिया है तुमने जो दिल का भाई, बंद करो हाथ जोड़ के मैं। ओ भाई अरे एसटी वाला किधर जाएगा, थोड़ा रुक जा सब जा रहे आराम से जाओ। एसटी वाला भाई बीच में गाड़ी घुसा रहा है यार सीधा। सामने क्या लिखा है बस पे, भगवान के पास देर है पर अंधेर नहीं। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू, क्या साबित करना चाहता है तू। कंट्रोल तो फाइनली एक छोटा सा ब्रेक लिए है यहाँ पे सबके सब। भाई थक गए ना थोड़ा टायर्ड हो गए, बाकी ये भी यहाँ पर है सब यहाँ पे है सब थक गए, ये भी थक गए यहाँ पे पूरे के पूरे टीम। भाई देखो भाई लाइन से भाई सब थक गए यहाँ पे। One hour later. खा रहे हो क्या? हाँ सबका भी ब्रेकफास्ट हो गया, निकलते हैं यहाँ पे से भी। तो भाई इसके अंदर है बर्फ जो कि मतलब इसमें ना मेल्ट नहीं होता है, इसके लिए ये ऊपर से ये लगा के रखते हैं। ये देखो बर्फ एंड यहाँ का व्यू भी देख लो। एंड अभी अपन मैं अपनी गाड़ी तो वहाँ सामने खड़ी है, अभी अपन भी थोड़ी देर में निकलते अपना गोप्रो तो अंदर चार्ज पे लगाया भाई देखते। हाय एंड यहाँ पे है अपना गोप्रो चार्ज पे लगाया भाई यहाँ पे अपन ने, चलो कुछ तो मिला अपने को। चार्ज पूरा उसका डाउन हो गया गोप्रो का, एक्स्ट्रा बैटरी है नेक्स्ट टाइम निकालूंगा।